कुक विद मैरा को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुक विद मैरा में हूँ शामदीद। आज मैं बना रही हूँ चिली चिकन। चिली चिकन के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है आप नोट कर लें। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम चिकन लिया, उसके मैंने लंबे पीस काट लिए और इसको मैं मैरिनेट करूंगी आधे घंटे के लिए, और जो चीज़ें इसमें जाएंगी आप नोट कर लें। सबसे पहले ये मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून, ये ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून, ये सिरका है हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून या हसबे जायका, ये मैदा मेरे पास है 1 टेबल स्पून, और 1 अदद अंडा, और ये 4 टेबलस्पून मेरे पास कॉर्नफ्लावर है। इसको हम डाल के तो अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे और इसको मैं 20 से 30 मिनट के लिए रखूंगी। ये देखें मेरा मैरिनेट हो गया, आधा घंटा मैंने इसको रखा है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि नीचे अंडा वगैरह बैठ। ये देखें मैंने इस तरह फ्राई कर लिया दोनों साइडों से अच्छी तरह। इसी तरह मैं सारी कर लूंगी फ्राई। चिली चिकन के लिए हमने जो सॉस तैयार करना है उसकी चीजें आप नोट कर लें। सबसे पहले ये मेरे पास तिलों का तेल है, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। उसके बाद ये लहसुन मैंने चॉप किया हुआ है, 2 से 3 लहसुन लेके उनको चॉप कर लिया है। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें और सुरख मिर्चें थी, ये इनको भी मैं ये 4 मैंने ये ली हैं और 3-4 ही ये मैंने काट ली हैं लंबी लंबी। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। ये काली मिर्च 1/2 टीस्पून जाएगी, ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये सोया सॉस है 2 टेबलस्पून, ये मेरे पास चिली सॉस है 2 टेबलस्पून, ये सिरका है 2 टेबलस्पून, ये एक मेरे पास क्यूब्स जाएगी। उसके बाद मैं नमक चख लूँगी, जितना मुझे कम ज़्यादा लगेगा मैं फिर डालूँगी। वैसे मैंने 1 टीस्पून रखा हुआ है, और ये मेरे पास टमाटो पेस्ट है 2 टेबलस्पून, ये टमाटो केचप है, ये टमाटो सॉस है, ये मेरे पास है 6 टेबलस्पून, थोड़े से तिल जाएंगे, ये शिमला मिर्च मैंने 1 थी लंबी काट ली है, और 1 प्याज को लंबाई की शक्ल में काट लिया। सबसे पहले हम ऑयल इसमें शामिल करेंगे। लहसुन थोड़ा सा सोते कर लेंगे। अब ये नीचे शामिल कर लेंगे। बस थोड़ा सा इसको सोते करना है, जलाना नहीं है। साथ ही हम इसमें चिली सॉस। मैंने इसको 5 मिनट भून लिया। अब मैं इसमें ये जो 6 टेबलस्पून केचप के थे वो शामिल करूँगी। अगर ग्रेवी ज़्यादा बनानी हो तो थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन अभी मैं देखूँगी मुझे कितनी ज़रूरत है। ये चिकन शामिल कर देते हैं।
थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है इसमें, हाफ टी स्पून। वन टी स्पून मैं एंड पे तेल शामिल करूंगी इसके ऊपर। इस स्टेज पे अगर आपको चाहिए कि ग्रेवी में आपको पसंद है, ग्रेवी के लिए आप क्या करें कि थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर एक टेबल स्पून ले के घोल के तो इसमें डाल दें और थोड़ी थोड़ी ये ग्रेवी बन जाएगी इसकी। चिली चिकन हमारी तैयार है और आप इसको फ्राइड राइस के साथ, चाइनीज़ राइस के साथ सर्व करें या बॉयल चावलों के साथ। मैं भी इसके साथ चावल बना रही हूँ, फ्राइड राइस बना रही हूँ मैं भी, तो वो भी मैं आपको रेसिपी दूँगी। तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाएं और लाइक कीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। अल्लाह ताला हज़ारों अल्लाह ताला आप पे और मेरी फैमिली पे हज़ारों नेमते रहमते नाज़िल फरमाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।